दोस्तों अगर आपका भी पीएफ खाता है, चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं या चाहे प्राइवेट नौकरी करते हैं, सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए दो बड़े अपडेट आ रहे हैं, नए नियम हैं सरकार की तरफ से, आपको जरूर जानने चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से देखिए, ईपीएफओ में ई नॉमिनेशन के बगैर नहीं देख पाएंगे पासबुक। जानिए नॉमिनी बनाने व बदलने का नियम और प्रोसेस। जी हाँ, पहला अपडेट और नया नियम तो ये दोस्तों की ईपीएफ सदस्यों के लिए सरकार ने ई नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया। प्रोविडेंट फंड के अकाउंट के नियमों में बदलाव कर दिया। अगर पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ई नॉमिनेशन नहीं हुआ तो आप अकाउंट का पासबुक नहीं देख पाएंगे, यानी कि अकाउंट होल्डर्स के लिए पीएफ पासबुक देखने के लिए ई नॉमिनेशन अनिवार्य है। अब सवाल ये कि आखिर आप कैसे ई नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, इसका नियम और फुल प्रोसेस क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स अपने फैमिली के सदस्य को नॉमिनी बना सकते हैं, जिस तरह से हमारे बैंक अकाउंट में या हम कोई टर्म प्लान वगैरह करते हैं तो उनमें भी हमारा नॉमिनी होता है, राइट। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य आपके नॉमिनी के लिए अवेलेबल नहीं है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को भी नॉमिनी बना सकते हैं, जिनमें आपका रिलेटिव हो सकता है या आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर आपका परिवार होता है और फैमिली का पता चलता है तो गैर परिजन का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जा सकता है। इसलिए जहां तक आप परिवार में रहते हैं, परिवार के लोग बाग हैं, तो उन्हें ही नॉमिनी बनाएं। ध्यान रहे, कर्मचारी के निधन के बाद आपके पीएफ खाते का उत्तराधिकारी वही नॉमिनी होगा जिसको आपने पीएफ खाते में ऐड किया है, और नॉमिनी को पीएफ जारी करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि पाने के लिए नॉमिनी को सिविल कोर्ट जाना होगा। और घर बैठे ही आप ई नॉमिनेशन रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, आधार कार्ड, आधार नंबर, निवास प्रमाण पत्र, आपका जो मूल निवास जहां आप रहते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और नॉमिनी के स्कैन फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। मान लीजिए नॉमिनी नाबालिग है तो उसके पेरेंट्स का नाम और पता देना पड़ता है। नॉमिनी के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान को भी देना जरूरी होता है। अच्छा, अब बात करते हैं ई नॉमिनेशन के लिए प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाना है, epfindia.gov.in। आपको लॉगिन करना है, आपने पहले से अकाउंट बना रखा तो, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको सर्विस टैब में ड्रॉप डाउन मेनू में फॉर एम्प्लॉयज टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे सर्विस टैब में ये फॉर एम्प्लॉयज, फॉर एम्प्लॉयर्स और फॉर एम्प्लॉयज दो ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से फॉर एम्प्लॉयज बटन पे क्लिक करना है। अब आपको अपने यूएएन और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है। इसके बाद आपको अपने डैशबोर्ड में मैनेज टैब में ई नॉमिनेशन चुनना है। यहाँ पर आप परमानेंट और करंट लोकेशन को भी सेव करें। इसके बाद यहाँ अपना फैमिली डिक्लेरेशन बदलने के लिए यस बटन पर सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद नॉमिनी की जानकारी दर्ज करें और सेव बटन पर क्लिक करें। अब ई साइन आइकन पर क्लिक कर प्रोसीड करें। इसके बाद अपना आधार नंबर इंटर करें। उसके बाद आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसको वहां पर डालना है, और इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद अब आपका नॉमिनेशन अपडेट हो जाएगा। आखिर ये ई नॉमिनेशन जरूरी क्यों है, तो मैं आपको बता दूं, अपने परिवार को वेलफेयर बेनिफिट दिलाने के लिए। आपके पीएफ अकाउंट से संबंधित जो भी आपके बेनिफिट्स हैं वो आपके परिवार को आपके उपरांत भी मिलते रहे, इसके लिए ई नॉमिनेशन करना अनिवार्य कर दिया। मान लीजिए किसी सदस्य का निधन हो गया तो प्रोविडेंट फंड, पेंशन, बीमा लाभ आदि के मामले में ऑनलाइन दावे निपटारे के लिए ई नॉमिनेशन बहुत जरूरी हो गया। ईपीएफ मेंबर्स अपने यूएएन नंबर के माध्यम से ईपीएफओ का ई नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। अब ये यूएएन नंबर क्या है और इसको आप कैसे जनरेट कर सकते हैं अपने पीएफ अकाउंट पर, इसके बारे में मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर पहले भी बताया था। आप अपने ईपीएफ के लिए यूएएन कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके लिए भी सिंपली आप ईपीएफ एम्प्लॉयर पोर्टल पर जा सकते हैं, unifiedportal.empdotepfindia.gov.in। इस पोर्टल पर आपको जाना है और इसके भी कुछ प्रोसेस और सिंपल स्टेप्स आप यहां देख सकते हैं। मेंबर में सिलेक्शन और रजिस्टर इंडिविजुअल टैब पर क्लिक करना है। कर्मचारी का विवरण जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स डालनी है। अप्रूवल सेक्शन में सभी जानकारी को अप्रूव करें। फिर ईपीएफओ द्वारा एक नया यूएएन जनरेट किया जाता है और कंपनी ईपीएफ खाते को कर्मचारी के यूएएन के साथ जोड़ सकती है। आपको अपना यूएएन नंबर अगर जानना है तो आप ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पर जाएं और नो यूअर यूएएन पर क्लिक करना है। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कैप्चा दर्ज करना है और वेरिफिकेशन के लिए कैप्चा और ओटीपी डालने के बाद आपको सो माय यूएएन ऑप्शन मिलेगा। वहां पे क्लिक करते हैं, आपको अपना यूएएन नंबर शो हो जाएगा, मतलब दिख जाएगा। यूएएन को एक्टिव और डीएक्टिव भी कर सकते हैं आप, जिस तरह से अपन आधार कार्ड को एक्टिव डीएक्टिव करते हैं ना, उसी तरह से इसकी भी सिंपल स्टेप्स हैं। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आप अपने आधार कार्ड के नंबर को यूएएन से लिंक भी कर सकते हैं, इसके लिए भी सिंपल स्टेप्स हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूएएन एक्टिवेशन के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है वगैरह वगैरह की जानकारी भी आप देख सकते हैं। और भी मैं आपको इस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, पैसा बाजार का आर्टिकल है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स मूड में होकर के सारी स्टेप्स चेक कर लीजिएगा यूएएन से संबंधित। ओके, तो पीएफ खाता वालों के लिए एक जरूरी अपडेट तो ये रहा, और एक और अपडेट ये आ रहा, देखिए आप ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है, 7 करोड़ लोगों के पीएफ अकाउंट में भेजे जाएंगे 72,000 करोड़ रुपए। दरअसल ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आने वाले कुछ दिनों में वित्त वर्ष 2022 के लिए 8.1% ब्याज कर्मचारियों के खातों में भेजने वाली है। पीएफ के दायरे में आने वाले देश के करीब 7 करोड़ कर्मचारियों के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कहना है कि वित्त वर्ष 2022 के लिए 8.1% पर ब्याज
कर्मचारियों के खातों में ब्याज की गणना की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और 16 जून से ही सब्सक्राइबर्स के खातों में पैसे जमा होना भी शुरू हो जाएंगे, है ना। तो सरकार इसके लिए टोटल 72,000 करोड़ रुपए की राशि जो है पीएफ खातों में जमा करेगी। अगर आप अपना पीएफ का बैलेंस ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं तो भी आप epfindia.gov.in पोर्टल के जरिए कर सकते हैं, ई पासबुक वगैरह भी देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ई पासबुक देखने के लिए अब आपका नॉमिनी होना जरूरी है, जो मैंने आपको बता दिया, है ना। तो पीएफ खाता वालों के लिए उम्मीद है ये दो बड़े अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे दोस्तों, और भी आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल जवाब है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और आप प्राइवेट फील्ड में किस टाइप की जॉब करते हैं, आप अकाउंटेंट हैं, फैक्ट्री में कर्मचारी हैं और क्या हैं, किस पोजीशन पर, किस पोस्ट पर जॉब करते हैं, कमेंट करके बताइए, ताकि आपकी पोस्ट से संबंधित भी कभी कोई न्यूज अपडेट आएगा ना तो भी मैं आपको DLS न्यूज चैनल के माध्यम से बता दूंगा। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी, ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाए। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।